सामने ही मंदिर है अधिकारी माता रानी का। फाइनली बस पहुंच गए, 2-3 मिनट का रास्ता रह गया। तो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी एक नए और प्यारे से व्लॉग में। तो गाइस आज काफी दिन बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ और काफी प्यारा व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी यहीं से, पहला व्लॉग हमारा यहीं से शुरू हुआ था और हम जा रहे थे माता वैष्णो देवी पे कटरा। तो आज हमारा फिर से एक बार वही व्लॉग आ चुका है, आज फिर से हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी पे कटरा और मेरे साथ है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। चलो मिलवाता हूँ आपको सभी से। ये हमारे अभिषेक भैया कैशियर साहब अभी भी कैश का हिसाब लगा रहे हैं। ये हमारे पवन भैया, ये क्रिश भाई, ठीक है, ये हमारा हिमांशु भाई, ये हमारा सत्यम भाई और ये शिवम भाई। तो अभी सारे भाई रेडी हो चुके हैं, ट्रेन आने वाली थी गाइस हमारी। कितने बजे की थी अभिषेक ट्रेन? 11। तो गाइस ट्रेन 11 बजे की थी और टाइम हो चुका है अभी 1:30 का और अभी भी आध पौन घंटा लगेगा, ठीक है। तो गाइस सो भी नहीं पाए हम और अब जाके ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है आध घंटे में, उसके बाद चलते हैं अपने आराम से, सुबह जाएंगे जम्मू तक पहुंचेंगे, जम्मू से फिर हमें बस में या फिर ट्रेन में आगे जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी कर रहे हैं ट्रेन का वेट, वैसे दिख तो रही नहीं क्योंकि अभी दिखे भी नहीं, आधे घंटे का वेट अभी। तो गाइस दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी, जैसे भी होगी हम आपके साथ, आप हमारे साथ। तो गाइस सारी ट्रेन आके चली गई है, बस हमारी ट्रेन नहीं आई अभी भी। टाइम क्या हो गया भाई? तो गाइस 2:30 पर टाइम हो गया और 3 बजे आएगी। टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तो आज भी 3 बजे ज्यादा मेरे को लगता है। इसने करवा रखी है टिकट, इसने इस ट्रेन में नाटते नाटते मना करते करते थारे भाई ने प्रोग्राम खराब करवा रखा। A few moments later. So guys, good morning. So guys, रात को व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी हमारी। और गाइज अभी हम पहुंचे हैं पठानकोट, सुबह हो चुकी है। टाइम क्या होगा अभिषेक? 10:30। तो गाइज टाइम हो चुका है 10:30 का और गाइज अभी आगे का सफर है 3-4 घंटे का। अभिषेक और की सीट दूसरे डिब्बे में थी लेकिन अभी हमारे पास आ गए, अपनी सीट छोड़ के आ गए। तो चलो अभी ट्रेन के अंदर दिखाता हूँ आपको कैसा क्या माहौल है और सच्चे दरबार की जय हो। चलो भाई ट्रेन चल पड़ी। हमारी स्लीपर सीट थी जो कि रात को हमें टाइम से मिल गई थी, सारी सारी स्लीपर सीट और सारे के सारे आराम से सो गए थे। अभी सुबह उठे हैं सारे के सारे, तो चलो दिखाता हूँ आपको कैसे बैठे हैं कैसे नहीं सारे के सारे। ये रहा अभिषेक, अपनी सीट छोड़ के हमारे पास आ गया। हेलो भाई अपना। सत्यम तेरी सीट कहाँ है भाई? सत्यम सीट है भाई, वो वाली आगे पूरी लंबी लंबी। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे आ गया हमारे पास आ गए। ये सीट भी हमारी है, ये भाई भी लट्टा अपना पवन, शिवम भाई लट्टा है, ये मानसु भाई। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, ठीक हो? यस ब्रो। तो गाइस सारे के सारे आराम से बैठे हैं। ये देखो बंदर इधर कैसे देख रहे मेरे को क्योंकि मैं खा रहा हूँ ना। ओए तो गाइस अभी पता नहीं कहाँ पे आ गया है, कोई कठुआ स्टेशन है, कठुआ ना कठुआ। ये देखो डीचू अभिषेक भाई बैठा है। तो बस अभी दो 3 घंटे का रास्ता है ना, है ना अभिषेक? तो गाइस अभी 3-1 घंटे का रास्ता है बस, उसके बाद पहुँच जाएंगे जम्मू माता वैष्णो देवी पे, नहीं जम्मू। जम्मू से फिर जाएंगे हम बस के सफर के साथ वैष्णो देवी। इसकी करी दरिया भाई सारी, ये सही भाई जो जम्मू घुमा के लाएंगे फिर आपको वैष्णो देवी का सफर कराएंगे आगे। जम्मू से वैष्णो देवी जाना पड़ेगा गाइस, सीधा कटरा की थी ट्रेन लेकिन इसने वो नहीं कराई, ये कराई इसने। तो चलो चलते अब। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी और अभी जम्मू तवी से हमें जाना है माता कटरा वैष्णो देवी। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंची है, टाइम हो चुका है 12:30 का। वैसे यहाँ पे आने का टाइम था इसका सुबह 9:30 बजे का, लेट थी गाइस। तो गाइस ट्रेन से हम उतर चुके हैं। ये रे भाई अपने सत्यम भाई, शिवम और अनु भाई, आगे आगे मजा भाई, आगे टीटी खड़ा दे, टिकट कहाँ है? ये देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, देखो मेरा बैग लेके चल रहे हैं। वैसे एक पीछे भी है भाई मेरे भाई, लेकिन अपना फायदा देखो, मतलब है अपना फायदा देखो। जम्मू का स्टेशन जम्मू तभी, चलो बस स्टॉप पे चलते हैं।
तो गाइस जम्मू से हमें बस मिल चुकी है कटरा के लिए और हम बैठ चुके हैं बिल्कुल आराम से। 80 रुपए किराया है यहाँ से कटरा तक का। तो अभिषेक भाई और सारे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं सारे सारे। तो गाइस चलो चलते हैं, पहाड़ियों नज़ारे दिखाते हैं, रास्ते काफी प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। चलो काफी देखो अभी ये चेकिंग पोस्ट है, यहाँ से हमारी चेकिंग होएगी और देखते हैं फिर आगे। भाई सामने ही मंदिर है अर्धकुंवारी माता रानी का, फाइनली बस पहुँच गए, 2-3 मिनट का रास्ता रह गया चेकिंग पोस्ट पे, चेकिंग वैकिंग हो चुकी है हमारी। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हम कटरा, उतर चुके बस से और सामने काफ़ी प्यारा नज़ारा है माता रानी का। ये अर्धकुंवारी मैया जी और पीछे ही माता रानी का दरबार है, ये खड़े सारे सारे। तो भाई रूम भी हमने करवा लिया अपना बुक, बैग वगैरह रख के अभी नहा धोके रेडी होके फिर चलेंगे ऊपर। रूम की डिटेल में रूम पे जाके दूंगा आपको। अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है, अभी बैठते हैं। बैठ दो भाई, लोड हो जो लोड। तो गाइस सारे सारे बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। जयकारा तेरा वाली दा ओ सच्चे दरबार की जय। तो गाइस बस अभी चल रहे हैं रूम पे, फिर नहा धोके रेडी होके फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, ये रहा हमारा रूम नंबर 101। और गाइस रूम काफी प्यारा है, डबल बेड वगैरह है, शिवम और बाहर बालकनी में खड़े हैं, काफ़ी प्यारा व्यू है बाहर का भी। हम जैसे 7 बंदे हैं, 7 मेंबर हैं, तो हम सब तो एक ही रूम में है और इसका चार्ज टोटल है 1400 रुपये पर पर्सन, 200 रुपये। तो गाइस वैसे हमें यहाँ पे स्टे नहीं करना, बस बैग वगैरह रखने हैं और नहा धोके रेडी होके सीधा माता की चढ़ाई शुरू करनी है। तो गाइस बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी नहा धोके रेडी हो जाते हैं और गाइस इस व्लॉग को करते हैं पेंट। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं माता जी की चढ़ाई और माता जी के दर्शन कराने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।